नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 10.2 का। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करा चुके हैं, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि कोई बच्चा इस वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और उन 5 क्वेश्चन को जरूर देखे जिससे आपको वीडियो समझ में आ सके अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यह हमने एक सर्किल लिया। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यह बिंदु केंद्र ओ हो गया वृत्त का। यहां से एक बिंदु है ए जिसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और इस बिंदु ए से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई हमें क्या दे रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है वृत्त की। इसको हम क्या नाम दे लेते हैं, आर, और ये हो जाएगा बी। अब ये हो गया त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ओ ए बी में हम लगाएंगे यहां पे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये नंबर डिग्री का हो जाएगा। प्रमेय नंबर 10.1 से पाइथागोरस त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ये ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब करते हैं हम वैल्यू पुट करेंगे, ओ बी कितना दे रखा है हमें, आर स्क्वायर हमने माना है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 का स्क्वायर फिर उनको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार हम इसको जोड़ देंगे और एक बार हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की, इस सर्किल की जो रेडियस हो जाएगी वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद में आई होगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय भारत।